मैं हूं अभी लोहरदगा के बस स्टॉप पे पहुंच चुका हूं। बज रहे अभी 7। यहां पे बस आएगी सालू, जो कि आपको नेत्रहाट लेकर के जाएगी। यहाँ पे हम थोड़े आधे घंटे पहले पहुंच गए थे सुबह सुबह पे, लेमन टी पिया जो कि 5 रुपये का आया, काफ़ी बढ़िया था। आग से कि वहाँ पे कुछ लोग फायर जला रहे थे चूल्हा, वहाँ पे बहुत सारी कॉमेडी बातें की, लोकल बन के एक दूसरे को हंसाया। अभी बस आ चुकी है हमारी, वहाँ पे बैठते हैं एंड नेत्रहाट को निकलेंगे। अब जब ऊपर से नेत्रहाट को देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा। बिल्कुल नेत्रहाट कोई फ्लैट जगह पे नहीं है, नेत्रहाट पहाड़ियों की चोटी पे बसा हुआ एक गांव है। बिल्कुल हरे भरे जगहों से भरा हुआ ये, बिल्कुल हिल टॉप पे है ये नेत्रहाट। यूं ही नहीं, इसे कहते हैं क्वींस ऑफ छोटा नागपुर। ये नेत्रहाट का बस स्टॉप है जहाँ पे मैं उतर चुका हूँ। यहाँ पे ही सारा मार्केट वगैरह लगता है और आपकी जो नेत्रहाट की बस है वो लास्ट स्टॉप यहीं पे होती है। अभी मैं नेत्रहाट में आया हूँ, यहाँ पे भाई मिले, भाई ने मुझे पहचान लिया क्योंकि बहुत अच्छी शॉप है यहाँ पे, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह बेचते हैं, सब हैंडमेड बने होते हैं। यहाँ पे जो भी नेत्रहाट में लोकल लेडीज़ लोग हैं वो लोग काम करती है, वुमेन लोग ये हैंडमेड चीज़ें बेचते हैं। अगर आपको खरीदना हो तो इनके दुकान के पास आ सकते हैं, बिल्कुल बाजार के पास में ही है। रोड वगैरह एकदम मस्त बन गए हैं पूरे, पहले रास्ते बहुत पतले हुआ करते थे। एज यूजुअल बस स्टॉप से आप जब नेत्रहाट जाएंगे, जिधर होटल्स वगैरह सब कुछ है, ये आपको लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का एरिया होता है, लेकिन आप शॉर्टकट लेंगे इस तरीके से, कच्चिया रास्ता है तो आपको कम पड़ेंगे। अभी तो ये रास्ते काफ़ी अच्छे होंगे, जब मैं पहले आया करता था वहाँ पर उस समय वो झाड़ियों वगैरह क्रॉस कर करके सब कुछ निकलना होता था। दिल खुश हो गया, काफ़ी बदल चुका है नेत्रहाट, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अच्छे रोड्स बन गए हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है। अपने लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ, ये होटल 4 सीजन, यहाँ पे अभी जाता हूँ। इधर भी डेवलपमेंट हो चुकी है, गेट वगैरह सब कुछ बन गया है, होटल 4 सीजन बोर्ड, एक कैंपस बन गया एक बहुत अच्छा, इधर अब तो टेंट लगा सकते हैं। लास्ट टाइम पे यहाँ पे हमने 3-4 रातें बिताई थी, काफ़ी बदल चुका है, उस समय तो घर जैसा लगता था लेकिन अभी बिल्कुल एक रिजॉर्ट जैसा लग रहा है। नागपुर कर खोरा, नदी नाला टका टुकु पान रे पतेरा। यहाँ पे अभी एक टेंट भी लग चुका है और फुल वाइब आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ, पेड़ वगैरह, पेड़ पे चबूतरे और एक पूरा रिजॉर्ट वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। अरे जोहार दा, जोहार जोहार। कुक भैया मिल चुके हैं, लास्ट टाइम इन्होंने बहुत खिलाया, मार झोर क्या क्या खिलाया, अभी फिर कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। अभी बहुत अच्छा बना दिया आपने सब कुछ इधर, क्या बात है, अपना सुंदर सा चेहरा दिखा दीजिए। अभी काफ़ी लगभग 1.5 साल पहले मैं आया था यहाँ, हमारे राम भाई हैं, मतलब बहुत बहुत हेल्पफुल रहे हैं हर बार, और ये यहाँ पे ही रहते हैं, ये होटल 4 सीजन इन्हीं का है, जब भी आओ इधर ही स्टे करो। और बिल्कुल अभी पूरा सब कुछ बदल गया है, बिल्कुल माहौल पूरा बन चुका है, टेंट वगैरह कैंप वगैरह सब कुछ लग चुका है, तो अभी जब भी नेत्रहाट आओ तो एक बार इधर ज़रूर विज़िट करो। पहुँच चुका हूँ अभी होटल में, थोड़ा चेंज वेंज करते हैं, फ्रेश करते हैं, तो अभी हम रूम नंबर 104 में जा रहे हैं। सो क्लीन, सो गुड, क्या फ्रेग्रेंस है, काफ़ी बेहतरीन हो गया लास्ट टाइम से। अभी यहाँ पे अपने रूम में पहुँच चुका हूँ, बट इट्स नॉट डिसाइडेड हम कहाँ पे स्टे करेंगे, होपफुली कहीं और भी स्टे कर सकते हैं, बट अभी के लिए तो यही है, आगे जा कर के घूमेंगे, देखेंगे और एक्सप्लोर करते हैं पूरे नेत्रहाट को। अभी आया हूँ, अभी बस थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं फिर बात करते हैं। So, अभी बस फ्रेश वगैरह होकर के खाने की आस लगी है, अभी यहाँ पे टेबल वगैरह लगाया जा चुका है, देखते हैं आज के डिश में कुक भैया ने क्या क्या बनाया है।
फुल किचन में गाने वगैरह का पूरा व्यवस्था हो चुका है इधर, और पहले से काफी सुंदर भी हो गया किचन। थोड़ा स्टाफ है लेकिन हम एंटर कर सकते हैं। चलेगा। सो अभी मैं हूँ होटल फोर सीजन में, और हमारे कुक भैया जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा खाना हमारे टेबल में सर्व किया है, विच इज़ लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास पूरी है, राइस है, आलू गोभी की सब्जी है और प्याज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं कि लाइक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पर आप रह सकते हैं, आपको खाना भी मिले, सब कुछ मिले, तो आपको होटल फोर सीजन में आना चाहिए। बहुत ही डिलीशियस होता है। हमारे पास यहाँ पे भुजिया भी है, मतलब एक तरीके से जितना भी एक इंडियन कुजीन में जितने भोजन में सामग्री होनी चाहिए सारी चीज़ें हैं, तो हम एक ही करके खाने को टेस्ट करेंगे। नाइस, भैया का खाना मैंने पहले तो खाया हुआ, बहुत अच्छा बनाते हैं, ये मेरी फेवरेट है, आलू भुजिया और पूड़ी बेस्ट कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग खाने को इन्जॉय करते हैं, मिलते हैं खाने के बाद। A few moments later. सुबह सुबह करंट काट दिया, लेकिन नहीं किया हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पे लाइक एक जब मैं आया था तब ये बन रहा था, अभी ये पूरी तरीके से बन चुका है, अभी व्यवस्थित नहीं है, अभी बिस्तर वगैरह नहीं लगा है, बट आप देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो इसका कि कैसा है ये। यहाँ पे जब आओगे तो मुझे लगता है दो चार छः मतलब काफी बड़ी फैमिली आती है तो ये पूरा रूम बुक कर सकती है। यहाँ पे आप 2000 रुपए देकर आते हो, और अगर लड़कों का एक ग्रुप है 6-7 लड़कों का, आराम से स्टे कर सकते हो इसको, ये आपके लिए बजट ऑप्शन रहेगा, और खाना भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, तो आप बहुत कम बजट में आप आकर के नेत्रहाट में रह सकते हो। इसका वॉशरूम आपको इधर मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सी, एक कॉमन है यहाँ पे और एक है 107 इस रूम का। अभी राजेंद्र भैया आए, दिन में हम आए थे तो वहाँ पे नहीं थे, बहुत अच्छा लगा। हमने पिछले टाइम काफ़ी वीडियोस बनाई है, नेत्रहाट के बारे में बात किया है, आपने देखा होगा, और इनका स्टे अभी बिल्कुल बदल चुका है। लास्ट टाइम आया था मैं तो बिल्कुल बारिश का मौसम था, और लाइक उतना अच्छी गार्डनिंग वगैरह नहीं बनी हुई थी। अभी आप देखो बिल्कुल चकाचक लाइटिंग लगी हुई है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। अगर आप नेत्रहाट आते हो तो होटल फोर सीजन याद रखना, एक बार जरूर यहाँ पे ट्राई करना। सबसे अच्छी बात है यहाँ का खाना आपको जो मिलेगा, आपको नेत्रहाट में ऐसे बहुत कम जगह है जहाँ पे आपको विद फूड मिलेगा, लाइक आपको स्टे मिल जाएगा लेकिन खाना नहीं मिलेगा। और यहाँ पे वैसे रेस्टोरेंट होते नहीं है बाहर में जनरली, तो आप यहाँ पे आते हो, आपको कुक भैया का खाना मैंने आपको दिखाया हुआ है, कितना अच्छा होमली आपको फीलिंग आएगी। यहाँ पे आप आओगे तो आपको एक टेंट भी है, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। अगर रूम में स्टे करना है तो रूम भी बहुत साफ़ सुथरा है और अच्छा है, बजट में अगर आपको रहना है और होम एक्सपीरियंस करना है, बिल्कुल होटल फोर सीजन। चलिए और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।